अपने कॉलेज के पहले दिन अपनी सीट पर अकेले बैठकर अपना टिफिन खा रही थी। कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी नैना अपने दो दोस्तों के साथ रिया के पास आती है। नैना एक नकचढ़ी लड़की थी और क्लास में हर कोई उससे डरता था। ए लड़की, नहीं है क्या? हाँ, आज मेरा पहला दिन है। टिफिन में क्या है तेरे? मैगी। नैना उसका टिफिन लेकर खाने लग जाती है। आधा टिफिन खत्म करके वो कहती है, तेरी माँ की तो बिरयानी की दुकान है ना, मैगी इतनी बुरी बनाई है तो बिरयानी कितनी बकवास बनाती होगी। रिया को अपनी माँ के बारे में ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने नैना को जवाब दिया, आधा टिफिन चट कर गई और अब कह रही हो कि मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती। किसी और की माँ के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। आज की आई हुई लड़की ने नैना को उल्टा जवाब दिया। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उन दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। नैना ने रिया को जोर से धक्का दिया और रिया के शरीर पर कुछ निशान पड़ गए। उस दिन घर पहुंचते ही रिया की माँ ने उसके शरीर पर निशान के बारे में पूछा और रिया ने उनको सब बता दिया। हम कल ही जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे। वो लड़की प्रिंसिपल की बेटी हुई तो क्या हुआ, ऐसे मनमानी थोड़े ना चलेगी उसकी। दूसरी सुबह रिया और उसकी माँ प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल मानने को राजी ही नहीं थी कि उसकी बेटी नैना ऐसा कर सकती है। उसने उल्टा रिया को झूठा ठहरा दिया। रिया उदास होते हुए क्लास चली गई और उसकी माँ अपनी दुकान। आज फिर कुछ किया है उस लड़की ने तेरे साथ? हाँ माँ, जब टिफिन खाने बैठी तो सबको मेरे टिफिन के बारे में भला बुरा कहने लगी और सब मुझ पर हंसने लगे। तू रुक बेटा, कल मैं तेरी पूरी क्लास के लिए बेहतरीन बिरयानी बनाकर भेजूंगी। रिया और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक राज छुपा हुआ था, एक जादुई राज। दूसरे दिन रिया के स्कूल पहुँचते ही सबको उसके बैग से बिरयानी की खुशबू आने लगी। उसको कई लोगों ने पूछा कि इतनी सुंदर खुशबू क्या उसके बैग से आ रही है। हाँ हाँ, आज सबको बिरयानी खाने को मिलेगी, मेरी माँ ने पूरी क्लास के लिए बिरयानी भेजी है। लंच ब्रेक में सब रिया के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। पूरी क्लास ने रिया की माँ के हाथ की बिरयानी खूब स्वाद लेकर खाई। अब आएगा मजा, बिरयानी तो खा लिया, अब बिरयानी के जादू का समय है। लंच ब्रेक के बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे। नैना अचानक बेंच में चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गई। नैना और उसके दोस्त जिन्होंने रिया का मजाक उड़ाया था, सब अपने बेंच पर चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गए। क्या कर रहे हो तुम तीनों? अभी नीचे उतरो, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, अभी बाहर निकलो। पूरी क्लास नैना और उसके दोस्तों को देखकर हंसने लगी। नैना को घर भेज दिया गया। दूसरे दिन नैना शर्मिंदगी से क्लास में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आया और अब वो उसकी हालत का बदला लेना चाहती थी। इस रिया की तो मैं, इसको अब मजा चखाऊंगी मैं। इसको इस क्लास से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। कुछ दिनों बाद नैना ने रिया को कॉल किया। हेलो रिया, तुम कल कॉलेज आ रही हो? हाँ आऊंगी मैं कॉलेज, क्यों? वो एक्चुअली तुम्हारे माँ की हाथ की बिरयानी खाने का मन कर रहा है, बहुत स्वादिष्ट थी उस दिन भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी उसके, थोड़ा ज्यादा लेकर आना, मैं अपने पिताजी को भी खिलाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, कल मैं टिफिन में तुम्हारे और सर के लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। रिया और उसकी माँ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए रिया की माँ ने फिर से अपनी जादुई बिरयानी बनाई और रिया के हाथ उसे कॉलेज भेज दिया। आ गए तुम, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, और चलो अभी पापा को देकर आते हैं। पर प्रिंसिपल सर तो मीटिंग में होंगे ना अभी, इतनी बढ़िया बिरयानी खाकर वो अपनी मीटिंग खुद कैंसिल करवा देंगे। तुम अपने हाथों से बिरयानी देना उनको, उनको भी तो पता चले तुम्हारी बिरयानी के जादू के बारे में। जाओ उनको बाहर बुला कर लाओ। रिया प्रिंसिपल के केबिन के अंदर उन्हें बुलाने जाती है। नैना मौका देखकर अपने पापा के बिरयानी में जुलाब की गोलियां डाल देती है।
फिर प्रिंसिपल ने नैना को भी अंदर बुलाया। क्या हुआ नैना बेटा, तुम्हें पता है मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। जी पापा, आप बस ये बिरयानी एक चम्मच चखकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बिरयानी है, मैंने भी खाई है। मैं चाहती हूँ कि आप भी रिया की माँ की हाथ की बिरयानी खाएं। प्रिंसिपल बिरयानी चखता है और बहुत खुश हो जाता है। प्रिंसिपल बहुत स्वाद लेते हुए बिरयानी खा रहा है। नैना इंतजार कर रही है कि कुछ गड़बड़ होगी, पर उसके पापा तो खुशी खुशी बिरयानी खाए जा रहे हैं। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। वाओ रिया, तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू कहना बेटा। पापा, आपको कुछ हो नहीं रहा है? मुझे तो बस इस बिरयानी से प्यार हो रहा है। ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई मैंने। लो तुम भी खाओ, आओ आओ आओ। नैना के मना करने के बावजूद प्रिंसिपल उससे जबरदस्ती दो चम्मच बिरयानी खिला देते हैं। नैना के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो बंदर के जैसे खुजलाने भी लग जाती है। बाप रे, ये मुझे क्यों हो रहा है? ये तो आपको होना चाहिए था। क्या बात कर रही हो बेटी? नैना भागते हुए टॉयलेट जाती है और वापस आकर फिर से बंदर के जैसे खुजलाते हुए कुछ कुछ बोलती रहती है। जुलाब की गोली तो आपके लिए डाली थी, मुझ पे क्यों असर कर रही है? आपकी मीटिंग खराब करनी थी, या तो मेरा पेट खराब हो गया। नैना टॉयलेट के अंदर बाहर भागते हुए सारा सच उगल देती है। मैं हमेशा आपके प्रिंसिपल होने का फायदा उठाती थी, आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपकी बेटी कितनी चालाक है। नैना ने जादुई बिरयानी की शक्तियों की वजह से सारा सच उगल दिया, बिरयानी से लेकर अपनी चालाकी तक। प्रिंसिपल ये सुनकर आग बबूला हो गया और नैना के ऊपर चिल्लाने लगा। प्रिंसिपल ने रिया से माफी मांगी और उसे क्लास में जाने को कहा। रिया मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में चली जाती है और प्रिंसिपल अपनी बेटी की क्लास लेना जारी रखता है। जय और उसकी माँ बिनीता अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव काफी पिछड़ा हुआ था। जय ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ को छोड़कर शहर चला जाता है। बिनीता छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती है। जय हर शनिवार अपनी माँ से मिलने आया करता था और रविवार शाम तक शहर वापस चला जाता था। एक रविवार की शाम बिनीता उसे कहती है, बेटा आजकल गांव में बहुत लाइट जाने लगी है, अब हर रात कैंडल खरीदने तो नहीं जा सकती, कोई लालटेन ला दे, सस्ता पड़ेगा मुझे। आपने पहले क्यों नहीं बोला माँ, मैं शहर से आते वक्त ही ला देता। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे शनिवार ला दूंगा। अगली शनिवार जय कुछ काम से घर नहीं आ पाता और विपुल नाम के अपने एक दोस्त के हाथ अपनी माँ के लिए लालटेन भिजवा देता है। बिनीता रात को लालटेन जलाकर अपने सारे काम करती है। देर रात तक लाइट ना आने की वजह से बिनीता लालटेन को धीमी आग में जलाकर कमरे के एक कोने में रखकर सो जाती है और दूसरी सुबह, ओह रात भर ये लालटेन चालू रहा, मुझे तो बंद करना याद ही नहीं रहा। ऐसा कहते हुए बिनीता लालटेन बुझाने उसके पास गई। लालटेन के पास एक मटका रखा हुआ था। बिनीता ने अच्छे से देखा तो वो मिट्टी का मटका अब सोने का बन गया था। ये सोने का मटका, यहाँ तो मैंने मिट्टी का मटका रखा था, ये कैसे हो गया? जय को आने दो, उससे पूछना पड़ेगा। उस रात बिनीता फिर से जलती हुई लालटेन अपने बिस्तर के पास रखकर सो गई। रात भर बिनीता करवटें लेती रही, उसकी नींद भी अच्छे से नहीं हुई। सुबह उठकर जब बिनीता अपने बिस्तर पर बैठी तो वो सारा माजरा समझ गई। हाय दैया, ये मेरा बिस्तर सोने का कैसे बन गया? जरूर इस लालटेन में कोई जादुई शक्तियां हैं। बिनीता ने उस हफ्ते हर रात लालटेन किसी एक चीज के सामने रखी
और रात भर उस लालटेन की रोशनी में रखने की वजह से वो चीज सोने की बन जाती थी। बेनीता अब बेसब्री से जय का इंतजार कर रही थी। शनिवार को जय अपने दोस्त विपुल के साथ गांव आया और अपने घर के अंदर जाकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर है। माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बेटा, जो लालटेन तूने शहर से भिजवाई थी वो जादुई लालटेन थी। उसकी रोशनी में कोई भी सामान रात भर रख दो तो वो सोने का बन जाता है। माँ, हम तो लखपति बन गए, सोने की लॉटरी लग गई है हमारी। माँ, जय और बिनीता खुशी से गले मिलते हैं। विपुल का ये देखकर मुंह सड़ जाता है। वो वहाँ से दोनों को बधाई देते हुए अपने घर निकल जाता है। ये साला जय मेरे ही हाथों लालटेन भिजवाई और अब लखपति बन गया। मुझे उस जादुई लालटेन के बारे में पता होता तो कभी उसे नहीं देता। विपुल को लगा उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसने अपने इंसाफ के लिए दूसरी सुबह जय के घर से वो लालटेन चुरा ली। विपुल के पास रात तक रुकने का धैर्य और समय दोनों नहीं था। उसने जल्दबाजी में सुबह ही वो लालटेन जला ली। इस लालटेन के सोने पे मेरा हक भी उतना ही है जितना उस जय का है। अब मैं भी लखपति बनूंगा। विपुल अपना सारा सामान लालटेन के इर्द गिर्द रख देता है। देखते ही देखते उसके सामान में एक एक करके आग लगने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा सारा सामान? नहीं नहीं नहीं, कोई रोको इस आग को। विपुल घबराते हुए आग के ऊपर पानी डालता है पर आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। हे भगवान, सोने के सपने देखे थे पर यहाँ तो सपने जल के राख हो रहे हैं। विपुल के घर में आग जलते हुए देख जय और बिनीता उसकी मदद करने पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनकी लालटेन विपुल के जले हुए घर के बीच में पड़ी हुई है। विपुल, ये हमारा लालटेन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ले जाओ इस बला को मुझसे दूर। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। विपुल अपने जले हुए घर और फूटी किस्मत को देखकर रोता है और जय और बिनीता अपनी जादुई लालटेन लेकर अपने घर को चले गए।